फ्रेंड्स, श्रद्धास फूड गैलरी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कसाटा आइसक्रीम, जो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे आज हम, बहुत ही कम सामान में। तो देखिए कितनी सॉफ्ट और ब्यूटीफुल दिखती है ये। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए 1 कप हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे। ये आप वही क्रीम है जो हम केक डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। आप चाहे तो इसे अमूल फ्रेश क्रीम से भी बना सकते हैं। अब इसे हम इलेक्ट्रिक बीटर से, अच्छा फ्लफी ना हो तब तक बीट करते रहेंगे और थोड़ी स्पीड बढ़ाते हुए इसे बीट करेंगे। अच्छे से बीट हो गया है, देखिए। अब हम इसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है, आप चाहे तो बाजार का भी यूज़ कर सकते। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक कि ये अच्छे से मिक्स ना हो, इसे कट एंड फोल्ड के मेथड से मिक्स करेंगे। इसके 3 भाग करेंगे। एले भाग में मैं वेनिला एसेंस डालूंगी और साथ में येलो फूड कलर डालूंगी। ये वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम बनेगी हमारी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये येलो कलर ना हो जाए, तब तक इसे मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करना है हमें इसे। अब हम दूसरा फ्लेवर यूज़ करेंगे। ये मेरा पिस्ता इमल्शन है। इस इमल्शन में पिस्ता फ्लेवर और कलर दोनों ही होता है। आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पिस्ता का चूरा और अलग से फूड कलर, ग्रीन फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। ये भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम तीसरे वाले पार्ट में कोको पाउडर डाल रहे हैं। चॉकलेट फ्लेवर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। आप चाहे तो इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश और स्ट्रॉबेरी कलर दोनों डाल सकते हैं। ये है मेरा बिस्किट का पाउडर, मैंने इसे मिक्सर में क्रश कर लिया था। यह एक केक टिन है जिसमें मैं बटर पेपर लगा दूंगी। अब इस बिस्किट के पाउडर में थोड़ा सा मैं दूध डालूंगी। ये दूध मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा दूध और डालूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये। अब इस टिन में इसे हम बिछा देंगे अच्छे से, एक पूरा लेयर बन जाए इस तरह से। चारों तरफ इसे सभी तरफ फैला देंगे और इसे अच्छे से दबा के एक लेयर पूरी बना लेंगे। इसमें अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे, सभी तरफ एक प्लेन सरफेस बना देंगे और इसमें अच्छे से मैं हाथ से ज़रा दबा दूंगी इसको। थोड़ा सा दूध डालेंगे ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। अब इसमें मैं ये वेनिला फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, वेनिला फ्लेवर वाली आइसक्रीम। अब इसे भी हम अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ फैला के एक प्लेन सरफेस बना लेंगे। एक लेयर, ये दूसरी लेयर हुई हमारी आइसक्रीम। इसे भी चारों तरफ फैला देंगे और एकदम स्पैचुला से चारों तरफ फैला के प्लेन सरफेस बना देंगे ताकि नीचे की लेयर ना दिखे। अब हम तीसरा वाला लेयर बनाएंगे। ये चॉकलेट फ्लेवर वाला है लेयर। ये लेयर इसकी जगह आप स्ट्रॉबेरी वाला लेयर लगा सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन का भी हमें ध्यान रखना है। येलो के ऊपर चॉकलेट वाला लेयर बहुत अच्छा लगेगा दिखने में भी और टेस्ट में। ये सभी में चारों तरफ फैला दूंगी अच्छे से चारों कोनों में और प्लेन सरफेस बना दूंगी। चौथी लेयर लगाएंगे। इसमें चौथी लेयर में मैं ये पिस्ता वाला फ्लेवर लगाऊंगी। इसे भी हम अच्छे से चारों तरफ क्रीम को लगा के और चारों तरफ इसको फैला लेंगे चारों कोनों में और प्लेन सरफेस इसकी बना देंगे। ये हमारी चौथी लेयर है। आप इस लेयर के जगह भी आप दूसरी कोई भी लेयर या आपको जो पसंद है वो कलर की लेयर इसमें लगा सकते हैं। अब मैं इसमें बादाम और पिस्ता की कतरन लगाऊंगी। आप चाहे तो टूटी फ्रूटी भी लगा सकते हैं। आज मैं बादाम और पिस्ता की कतरन यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत ही रिच लुक आएगा और एकदम मार्केट जैसी हमारी आइसक्रीम दिखेगी और टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगेगी। आप कुछ भी इस पर लगा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी के या फिर चेरी के, ड्राई चेरी भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। और अब इसे क्लीन रेप से चारों तरफ से इसे पैक कर देंगे। आप क्लीन रेप ना हो तो आप इसे एयरटाइट डब्बे में भी जमा सकते हैं इस आइसक्रीम को। अब मैं इसे चारों तरफ अच्छे से पैक करके चारों इसके सरफेस पे इसको
दबा के रखूँगी ताकि अंदर एयर ना जाए और हमें आइस क्रिस्टल ना बने। इसमें मैं इसे ओवरनाइट फ्रिजर में या फिर 6 से 8 घंटे के लिए रख दूँगी। ये देखिए मेरा आइसक्रीम बनकर तैयार है। क्लीन रैप हटा लेंगे और इसके चारों तरफ किनारियों को चाकू से अलग कर देंगे ताकि अच्छे से डिमोल्ड हो सके। चारों तरफ इसमें चाकू अंदर डाल के हमें इसे डिमोल्ड के लिए उसकी किनारी को हटा देना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे आप कट करके देखेंगे और देखिए कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। चारों तरफ से बहुत सुंदर दिख रही है हमारी आइसक्रीम। अब इसे हम एक आइसक्रीम बाउल में सर्व करेंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।